हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मैं गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद हूं। अगर आप टैली ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली यहां पर खुला हुआ नजर आएगा। मैं इस कंपनी को क्लोज कर देता हूं। आपका जो इंटरफेस होगा वो कैसा दिखेगा इस कंपनी को क्लोज करने के बाद, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर शट कंपनी पे जाता हूं और एंटरफेस करता हूं और एक बार और एंटरफेस कर दूंगा। ये कंपनी एंटरफेस करने के बाद हो जाएगी क्लोज। तो यहां पर देख सकते हैं ये कंपनी क्लोज हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्रिएट कंपनी पर जाएंगे क्योंकि हम एक न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है। तो ये देखिए कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं कर रहा हूं राम एंड सन्स, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर्स के लिए है जो टैली प्राइम में नए हैं और जिन्होंने अभी अभी टैली प्राइम सीखना शुरू किया है और उन्हें ये नहीं मालूम है कि जैसे कि टैली ईआरपी 9 में हम कंपनी बनाते थे, तो अभी टैली प्राइम सीखना शुरू किया उन्होंने, तो उनको ये नहीं पता है कि कैसे हम इसको बनाएंगे, तो उनके लिए वीडियो है, ठीक है। यहां पर आ गए और ये स्टेट है, तो स्टेट यू प्रेस करके उत्तर प्रदेश चूज करूंगा। आपका जो भी स्टेट हो आप चूज कर सकते हैं। यहां पर पिन कोड आएगा, ठीक है। स्टेट आपको चूज करना जरूरी है, ठीक है। कंट्री चूज करना जरूरी है और यहां डाल दीजिए पिन कोड। एंटर 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 प्रेस करते हुए ये सारी डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। ये इंडियन करेंसी यहां पे शो कर रही है, नीचे देख सकते हैं INR, ठीक है। फॉर्मल नेम है ये इंडियन करेंसी का और ये करेंसी का सिंबल, ठीक है। और आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसके अलावा भी यहां पे दिया हुआ है बुक्स बिगिन फ्रॉम, तो आप अपना काम कब से शुरू कर रहे हैं वो देख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं 1/11/2020। मान लीजिए कि हमारा काम 1/11/2020 से शुरू हुआ हो तो यहां पर वही डेट आ जाएगी। इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें आपको और भी सारी सेटिंग्स चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत यहां पर मेंटेन अकाउंट्स ये आया हुआ है और इसमें इनेबल बिल वाइज एंट्री जो कि करनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, उसको आप इनेबल कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो उसे भी इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है। तो इसको हमने करा लिया एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ राम एंड सन्स नाम की एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इस कंपनी में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हो, कुछ चेंजिंग करना चाहते हो सकता है कि नाम गलत हो गया हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो गई हो सकता है कि कोई और चीज इसमें गलत हो गई हो सकता है फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया हो, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से सिर्फ F3 बटन प्रेस करना है और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। तो इसमें से आपको जो भी करना हो, जैसे हमें अल्टर करना है, हमें इसमें कुछ चीजें गलत हो गई हैं उनको सही करना है, तो अल्टर कर लीजिए आप और यहां पर आ जाएंगे। यहां से जो भी आपको मॉडिफिकेशन इसमें करना है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको देवरिया डालना था, हमने डाला नहीं है, तो यहां देवरिया कर देता हूं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एंटर 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 प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चेंजिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी इसमें। इस तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हैं कोई भी। अगर आप किसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कंपनी पर चले जाएं, क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट पर चले जाएं, शट करना चाहते हैं यानी बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें यहां से आकर के, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और इसे अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए अगर आप क्लिक कर देते हैं माउस से तो यहां से भी आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ये करंट पीरियड दिया हुआ है ना, यहां से भी आप चाहे तो फाइनेंशियल ईयर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।